जितनी बार भी पढ़ लो समझ ही नहीं आता। अभी नहीं होगा ऐसे शिवानी, मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना कुछ बच्चे तो ये चैप्टर है ना। तो हाँ डिटेल में तो नहीं जा पाऊंगी मैं, बट हाँ इतना जरूर ट्राई करूंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि बेसिक बेसिक चीजें बेसिक ही ना पता हो। मैं ये कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम ही क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल करते वक्त ना वो चीजें आप माइंड में रखो, है ना। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे है ना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना, तो क्वेश्चन नहीं बनते इस चैप्टर के, मेन दिक्कत ये है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है कि पूछ क्या रखा है। ठीक है, तो आज वाला चैप्टर में ना बहुत ज्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं होने वाली, आज का जो तुम्हें खुद फील होगा, अभी तुम 1 सवा घंटा रुक जाओ, तुम्हें खुद फील होगा जो आज का टॉपिक है वो इजी, और ऐसे करके मैं 3 दिन में तुम्हारा इक्विलिब्रियम निपटा दूंगी। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम मतलब केमिकल वाला, राइट। आयनिक में तो टाइम जाएगा थोड़ा, बट हाँ तुम्हारे एग्जाम से पहले आई ट्राई की थर्मो भी करा दूं। ठीक है, डिपेंड करता है, जैसे अभी तुम्हारी शायद 10th से अब तक ही लगेंगी क्लासेस। ठीक है जी, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली ना मैं आप लोगों को ये चीजें करा दूंगी, ध्यान से देखना। पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा सा देख लेंगे, होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी केसी के बारे में, जो भी इनके बीच में रिलेशनशिप है, ये सब थोड़ा करके, एंड इसके क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे तो देखना बन पाएंगे तुमसे क्वेश्चन, कर पाओगे इसके क्वेश्चन। ठीक है, एंड बहुत सारा मैंने होमवर्क भी दिया है, एंड इसकी वेटेज मैंने क्लास के टाइम में बोला था, जब मैंने डिटेल में लेक्चर आप लोगों का कराया था, तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, 22 में 5 आ गए थे, तुम सोच रहे हो 5 क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब 2024 में, अभी तुम तो 2025 में अपियर होगे ना, ठीक है, तो 2024 में मान के चल रहे 4 क्वेश्चन आएंगे, और 2025 में भी अगर यही रहा ना सिलेबस आपका 19 चैप्टर, तो वहां पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4-5 क्वेश्चन वो दे के छोड़ेगा यहाँ से, है ना। हाँ सुहानी बोलो। मैम, आपने केमिकल बॉन्डिंग की पीडीएफ भेज दी थी? केमिकल बॉन्डिंग जो कल लेक्चर लिया था मैंने, यस मैम, हाँ या भेज, हाँ पिछले भेज, भेज? कौन से वाले ग्रुप में, आई थिंक ना एक ग्रुप में भेजना मैं भूल गई थी, G3 अल्फा वाले में, जी सेवन है मेरा, तुम्हारे वाले में तनिष्का, नहीं आई थी मैम, कौन से वाले ग्रुप में हो तुम, G4। G4 में भी नहीं आई, एक मिनट रुकना चेक करती हूँ मैं, एक सेकंड दे दो मेरे को। चलो कोई नहीं, मैं ना उसमें भेज देती हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने ना इसमें भेज, मैंने शायद 12th वालों को भेज दी, ठीक है ठीक है, 11th में नहीं भेजी, मैं भेज दूंगी, ठीक है, ये वाले भी और कल वाले भी, या एक काम करूंगी मैं उसी में अपलोड कर दूंगी आपके, जहाँ पे लिंक में अपलोड करती हूँ ना, ड्राइव फोल्डर जो आप लोगों का बना हुआ है उसमें ड्राइव, ठीक है आप देख लीजिएगा। ठीक है चलो, ओके मैम, थैंक यू बेटा, याद दिला दिया मुझे। हाँ ठीक है, तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर कौन सा ऐसा बात नहीं है कि थ्योरिटिकल नहीं बन सकता, आजकल नीट वाले कुछ भी कर रहे हैं तो थ्योरिटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, बट ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने बनते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, तो यहाँ पे आपकी जो न्यूमेरिकल पे जो पकड़ होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए इक्विलिब्रियम और थर्मो वाले चैप्टर में से। ठीक है अच्छा, तो इसको एनसीईआरटी से भी आप पढ़ेंगे, एक एक लाइन एनसीईआरटी से करेंगे, एनसीईआरटी के अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ एक दो तीन पेजों में थ्योरी दी हुई है, तो उस थ्योरी को इग्नोर नहीं करेंगे, अच्छे से करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट असर्शन वाले। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, आगे चलने से पहले ना मुझे फटाफट ये 3 क्वेश्चन करके दिखा दो, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन, ये आप लोगों को मुझे बताना है। कोमल आ गई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम, तुम्हें पता है रिवीजन असेसमेंट तो होता है अपने क्लास में जरूरी, तो ये आप लोग मुझे करके बताइए बेटा। लक्ष्य आ गया, हाँ आ गया लक्ष्य, ठीक है ओके, आ गया, आज तो मुस्कान भी आई हुई है, ओके ग्रेट, ठीक है, कम है वैसे स्ट्रेंथ ना, बहुत कम है, चलिए ठीक है बच्चों। हाँ बताओ क्या आंसर होगा इसका, ओजोन पे बताओ कितने नंबर ऑफ, सिक्स लोन पे,
ठीक है, देखो कैसे बनाओगे इसको, ऐसे बनाओगे ना, है ना, इस पे प्लस, इस पे नेगेटिव, तो 1 2 3 4 5 6, इस पे 2 होंगे, सॉरी हाँ इस पे 2 लोन पेयर होंगे, यहाँ पे कितने होंगे आपके, 6 होंगे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 3 लोन पेयर, 4 5 और 1 इसके पास होंगे, ठीक है, क्योंकि 6 होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो इसने बना लिए, ठीक है, 2 5 और 1 निकल गया होगा, तभी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस मैम। ठीक है। और यहाँ पे देखो ना, ये इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखती हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना, तो 1 तो ये रहा और 6 ये रहे, तो 7 हो गए ना, यानी कि एक एक्स्ट्रा है, इसलिए इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव का चार्ज आया, तो कितने लोन पेयर बोले तुम लोगों ने मुझे, 6, ठीक है, तो 6 लोन पेयर इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, इसका मतलब होमवर्क किया है आप लोगों ने। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, बेटा नीचे वाला, अमंग द अबव मॉलिक्यूल आयंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयंस हैविंग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, बताओ भाई, मेरा इसको 4 आया था। तुम्हारा 4 आया था, बाकी बच्चे एक बार देखो कितना आ रहा है, sp3d2 होना चाहिए, ट्राई करो बेटा, पढ़ लिया करो, होमवर्क को सीरियसली नहीं लेते हो तुम लोग बिल्कुल भी। दक्ष आ गया, हाय दक्ष, ठीक है ओके। लेट क्यों आते हो भाई तुम लोग, 8 8 मिनट लेट आते हो, मैम कॉलेज मेरा तो लॉगिन ही नहीं होता। लॉग इन ही नहीं होता है तो तुम, अच्छा ऐसा भी सीन है क्या, अच्छा ये क्वेश्चन मुझे डाउट है, क्यों क्या डाउट आ रहा है मुझे बताइए, क्या डाउट आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल रही, देखो टीएफ मैम का मेरा भी डीएफ 4 आ रहा है। देखते चार आ रहा है, चलिए देखते हैं बच्चों, हैं आओ आओ डीआर। आओ आओ, PF5 तो नहीं है ना, PF5 तो नो एक्सक्लूड मैम। है, इसको मैं काटा लगा रही हूँ, ठीक है, BrF5 ये होगा, 7 + 5 प्लस यस फाइव मैम। 6, तो ये होगा, इस पे मैं टिक लगा रही हूँ, sp3d2, ये होगा क्या, नहीं, ये होगा, यस नो ये होगा, मैम। नहीं होगा, मैम ये होगा। यस मैम ये होगा, ये होगा। हाफ ऑफ 7 + 4 + 1 12/2 6, ये भी होगा, CLF3 होगा, यस मैम। CLF3 होगा, नो मैम नहीं होगा, अरे कैसे होगा भाई, हाफ ऑफ 7 + 3 10/2, ये 10/2 5 आ जाए। दिस इज sp3d, एंड IF5 होगा, यस मैम। ये यस होगा मैम। हाफ ऑफ 7 + 5, ये वही तो, इसी का तो भाई है ब्रोमिन, उसी की फैमिली में आता है, तो इसका भी होगा, ठीक है sp3d2, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, आंसर इज 4, 5 5 कैसे आ रहा था वैसे तुम लोगों का, थोड़ा मुझे बताओगे, मैम फाइव 4 ही बोला फाइव था। नहीं, जैसे शिवानी का आ रहा था बेटा, 5 आ रहा था ना तुम्हारा, तो वो 5 कैसे आ रहा था, देख लेना बच्चों, आप लोगों को ना आप समझ में आ गया, मैंने ऐसे पता नहीं कितने क्वेश्चन करा दिए, और सच बताऊं अभी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सब में आपको यही सेम चीज पूछेगा, वो sp3 sp2 sp3d2 sp3d, यही सब पूछने वाला है, तो मतलब तुम अपने आप ही सोच सकते हो कि एक ये VSCPR वाला क्वेश्चन और हाइब्रिडाइजेशन, ये और एक MOT, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या हो गया, क्या बात हो रही है, अच्छा PCl3 गलत निकाल दिया, ठीक है चेतना, अच्छा ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन फ्रॉम द फॉलोइंग वी डू नॉट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा करो इस क्वेश्चन को करो बेटा, हाँ क्या लग रहा है, आराम से बैठो, मस्त मजे से इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए कि आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पहले पढ़ रखा हो, ठीक है, क्योंकि आपको मेरी स्पीड फिर थोड़ी, पेस जो है मेरा वो ज्यादा ही रहेगा, तो कहीं आपको ये ना लगे कि मैम तो बहुत तेज जाए, वो बहुत स्पीड में पढ़ा रही है, वो रीजन आप लोगों को पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरा डिटेल में लेक्चर देखोगे वो तो मैंने शायद 6 या 5 लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है, वैसे 3 ऑप्शंस में जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। नहीं है, पहले तो ना बच्चों इस चीज को ना हाईलाइट कर लेना, ठीक है, तुम लोगों का जो नीट का पेपर होगा मेरा बेटा, वो होगा तुम्हारा पेन पेपर मोड में, है
है ना। तो जब पेन पेपर मोड में होगा या तुम्हारा ऑनलाइन भी होता है या तुम कहीं ऑफलाइन भी जाते हो देने, तो जब भी ये डू नोट, नोट करेक्ट, नोट ट्रू ये सब चीजें आ जाए ना, उस पे देखते ही हाईलाइट करो, क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो चीज रहेगी कि डू नोट हैव पूछा है, डू हैव नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, डू नोट पूछा मतलब जिसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देख लीजिए NO2 में है, ओड है, यस मैम इसमें ओड है, तो मैं इसको, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, राइट। ICl4 नेगेटिव में देखो 7+5 12/2 मैम है, ये भी होगा। तो ये हमारा आंसर में इंक्लूड होगा, राइट। एंड इसमें ये भी हमारा आंसर में इंक्लूड होगा, sp3d होगा ना, कितना होगा, 7+3 10/2 5, तीन बोन पेयर दो लोन पेयर, है ना, बताओ। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो Cl2, ये भी हमारा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। NO2+, यस मैम इसमें ओड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये आंसर में इंक्लूड होगा। NO भी नहीं होगा, मैंने कल भी बताया था, NO, NO2, NO, NO2, Cl2, ये इसमें हमारे क्या होते हैं, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। ठीक है, ओड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है। तो यानी कि आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों, 3। ठीक ठीक है, हालांकि ये तो मैंने किसी बुक से लिए हैं, आपके नीट में क्या आएगा, आपके नीट में ये वाले तो आएंगे नहीं, मतलब ऐसे इंटीजर टाइप तो आएंगे नहीं, तो आपको क्या बोलेंगे कि ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे ABC, है ना, BCD, ये आप लोगों को मालूम है कैसे बोल रू मैं। ठीक है, तो वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, चलो बेटा अब आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम पे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे इक्विलिब्रियम समझने से पहले ना थोड़ी चीजें सुन लो जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। पहले तो ये चैप्टर कवर कैसे करना, आपको अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर मैं आप लोगों के स्कूल के एग्जाम, अगर मैं तुम्हारा नीट का एग्जाम देखूं तो वो तुम 1 साल बाद देने वाले हो, तो यस तुम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो, लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों ने ऑलरेडी इसको बहुत बार कर लिया है, तो उसके लिए रिविजन क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, उसके माइंड में एकदम से चीजें स्ट्राइक करेंगी कि ऐसे ऐसे हमने रिवाइज किया था। ठीक है, और जिनको, जिन्होंने पढ़ रखा है लेकिन कंफ्यूजन है, कुछ कुछ चीजों में डाउट है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। ठीक है, तो ऐसे NCERT को नहीं छोड़ना है, मेक श्योर कि हर एक चैप्टर की, चाहे वो आपका ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक हो, आपने NCERT को पढ़ रखा हो लाइन बाय लाइन विद उसके क्वेश्चन, चाहे वो इन टेक्स्ट हो चाहे वो बैक एक्सरसाइज हो, ये आपने किए हो, उसके बाद ही नीट के PYQs पे जाओगे तुम लोग। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं बैक एक्सरसाइज में, अगर तुम देखोगे इतने तो नीट में भी नहीं आते ऐसे लेवल जितना तुम्हारे NCERT में दिया हुआ है, तो वो आप लोगों को करने हैं। ठीक है जी, अच्छा फिर उसके बाद आपको ये उठाना क्वेश्चंस वगैरह लाइक जो मैं भेजती रहती हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इक्विलिब्रियम कौन सी वाले केस में जो है एस्टैब्लिश हो सकता है। देखो बच्चों, हम दो तरह की रिएक्शन स्टडी करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन में हम ये बोलते हैं कि अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, ऐसी वाली रिएक्शन को हम रिवर्सिबल बोलते हैं, वाइल इन केस ऑफ इररिवर्सिबल रिएक्शन आपका रिएक्शन जो है प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, प्रोडक्ट ही बनाएगा, राइट, वापस वो नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम कौन सी वाली रिएक्शन से डील करने वाले हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन से हम डील करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चे ये ध्यान रखना, पहली अगर आप चाहते हो, पहले मैम इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं आ रही हूँ उस पे, अगर आप इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेट आए, तो ध्यान रखना रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए। सेकंड केस, क्लोज्ड वेसल में आपको रिएक्शन करानी है, सील्ड वेसल में बोल दो, क्लोज्ड कंटेनर में बोल दो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने खुला बर्तन ले लिया, सुन रहे हो मेरी बात, अगर आपने ओपन कंटेनर ले लिया और मान लो आपका कोई गैसियस प्रोडक्ट है, सपोज मान लो अमोनिया है, CO2 है, वो गैसियस फेज में, अगर आपने ओपन कंटेनर लिया उड़ जाएगी गैस, बना लेना फिर रिएक्टेंट वापस से। तो ध्यान रखना है रिवर्सिबल रिएक्शन भी इररिवर्सिबल में कन्वर्ट हो सकती है अगर आप ओपन कंटेनर ले लो। तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम के लिए आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पहली चैट बॉक्स में लिख दो क्या दो चीजें हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए, सेकेंड वन इज आपका क्लोज होना चाहिए।
क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अच्छा जी, अब होता क्या है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम हम ये बोलते हैं, मान लो सपोज लेट्स सी कि मैं एक जनरल रिएक्शन लेती हूँ, ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है? तो आप इक्विलिब्रियम को डायरेक्शन आप बता दिखा सकते हो, ऐसे डबल एरो से दिखाते, या ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? अच्छा, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, है ना मेरे बच्चों, जब आपकी रिएक्शन, बहुत फील लेके सुनना, ट्रस्ट में, आज का लेक्चर आप बोलोगे मैम ये तो बहुत इजी था, और जो नेक्स्ट के लेक्चर होंगे, दो लेक्चर और लूंगी मैं इस पे इक्विलिब्रियम पे, उसमें हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे, जो जिसमें तुम फंसते हो ना, ए मोल लिया, एक्स बना, ये फलाना बना, ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है? अभी ध्यान से सुनो, ठीक है? तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ, जब मान लो टाइम जीरो है, जब तक आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं है, तब आपके पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट होगा, लेट से जो रिएक्टेंट है वो 5 मोलर है, ठीक है? तो मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रही, बस ऐसे समझ लो कि अपने पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट है जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, सी प्लस डी कुछ नहीं बना है, राइट? लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा, आप रिएक्शन स्टार्ट कराओगे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि थोड़ा थोड़ा जो अब ए प्लस बी है वो सी प्लस डी में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, ठीक है? तो जैसे ही आपकी फॉरवर्ड जो आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, वो वापस से क्या करेगा, रिएक्टेंट में भी उसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि पहले तो ज्यादा होगा, फिर धीरे 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 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, कम होती जाएगी, फिर क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड कम हो रही है और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो रही है, टाइम के साथ बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होगा, बराबर। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिस सेम स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसी सेम स्पीड से आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। टाइम धीरे 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 धीरे, जब एक ऐसा टाइम आएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपकी जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी विद टाइम। टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन आपको कांस्टेंट दिखाई देगी। यही जो स्टेज होती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है, यही स्टेज इक्विलिब्रियम की स्टेज होती है। कौन सी वाली, कौन सी वाली, जब आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है? आप केमिस्ट्री में रेट वर्ड यूज करते हैं, वैसे आप स्पीड भी बोल सकते हैं, बट केमिस्ट्री में रेट बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? वेलोसिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है? दूसरी चीज है कंसंट्रेशन जो होगी ना रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो क्या होगी, बिकम कॉन्स्टेंट, ठीक है? बिकम कॉन्स्टेंट, ये कब बोल रही हूं मैं, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। बट मैं अपनी बात को भी यहां तक नहीं रोकूंगी, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये चीज का रट्टा मार लिया, ठीक है? हो सकता है कुछ बच्चों ने इसका रट्टा मान लिया होगा, लेकिन अपन को रट्टा नहीं माना, पूरा फील लेके समझना है ये हो रही है चीजें, ठीक है? तो जो मैंने अभी बोला है ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम लोग पढ़ सकते हो। इनिशियली रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बट एज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट है ये इंक्रीजेस, रिएक्शन ऑल्सो स्टार्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, एट अ सर्टेन स्टेज रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है जी? अच्छा, ये देखो, ये रिएक्शन, मैंने ये रिएक्शन कह रही हूँ, ये डेली लाइफ एग्जाम्पल मैंने तुम्हें क्लास के टाइम भी बताए थे, अब दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत पहले पढ़ा दिए थे, है ना? तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से। देखो, तुम डेली लाइफ में भी ना बहुत सारी चीजें हैं जो इक्विलिब्रियम में है, बट हम उसको नाम नहीं देते हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल ये आपकी बुक में भी है, प्रदीप की बुक अगर आप रेफर करेंगे, रेफर की है, तो वहां पे एग्जाम्पल आपने फोटो पिक्चर लगी हुई देखी होगी। ये देखो, मैंने क्या कि एक बकेट लिया है, ऊपर से मैंने टैप को ऑन कर दिया है, एंड बकेट में भी यहाँ पे देखो ऐसा टैप को फिट कर दिया है। तो बेसिकली अब मैंने क्या किया है, टैप को ऑन किया है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो पानी है ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी जा रहा है, लेवल आपको सेम लगेगा। आप आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, लेवल सेम रहेगा। आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, लेवल सेम रहेगा। तो आपको क्या लगेगा, कुछ हो ही नहीं रहा क्या? लेकिन सच में कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है ना? ठीक है, जितनी स्पीड से पानी ऊपर से आ रहा है उतनी स्पीड से जा भी तो रहा है नीचे, है ना? तो यानी कि हमारी आईज को क्या लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, चीजें तो हो रही है ना,
है ना, इक्विलिब्रियम। इधर आओ, ये लड़की को क्या हुआ, ये गलत एक्सकलेटर पे चढ़ गई है, राइट। ये एक्सकलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हमें क्या लगेगा, अगर हम इसको देख रहे हैं तो हम कहेंगे भाई कुछ नहीं हो रहा है, भाई वहीं की वहीं है। लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है ना। जितनी स्पीड से वो ऊपर जा रही है उतनी सेम स्पीड से वो एक्सकलेटर नीचे की तरफ आ रहा है, इक्विलिब्रियम है। और मैंने एक ये एग्जाम्पल भी बताया था जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही थी, कि जितनी स्पीड से टीचर आगे पढ़ा रहा है उतनी सेम स्पीड से तुम पीछे वाला भूल रहे हो, मेरे को ये वाला एग्जांपल याद आया था सबसे पहले। है ना। और एक मान लो तुम्हारा तुम्हारा कोई फ्रेंड है, ठीक है, और तुम खड़ो, लड़ाई होगी, एक वो थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है, साथ ही तुम खूब भी मारे जा रहे हो, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो डेली लाइफ में भी होता है, बट वही हम बोलते नहीं है, बट मैंने तुम्हें दिखाया है। सेम केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या है कि आपको लगेगा कि मैम कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट होगी तो मतलब रिएक्शन तो हो ही नहीं रही। ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन विल नेवर स्टॉप। हाँ, लक्ष्य के एग्जांपल देख लो भाई तुम, ठीक है। रिएक्शन नहीं रुक रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप, हमारी आंखों को क्या लगता है, रुक गई है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन तो हो रही है, ठीक है। तो क्या दो कंडीशन बताई बेटा मैंने, जितनी सेम स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतनी सेम स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बन रहा होगा वो वापस, तुम खुद सोचो ना, रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में बन रहा है जितना बन रहा है उतना ही वो वापस उसमें चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में, तो नेट चेंज क्या हो गया बेटा, तुम बताओ, जीरो ना, यस है ना। सर, लेकिन इट डजंट मीन कि, इट डजंट मीन कि रिएक्शन नहीं हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है। इसलिए एक लाइन ये भी बोली जाती है कि तुम्हारा जो इक्विलिब्रियम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक प्रोसेस डायनेमिक इन नेचर, है ना, डायनेमिक इन नेचर मतलब आगे पीछे रिएक्शन क्या है, जा रही है, स्पीड दोनों का जो स्पीड है वो सेम है, दोनों का जो रेट है वो सेम है, और कंसंट्रेशन जो है टाइम जा रहा है, रिएक्शन हो रही है लेकिन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, खुद सोचो, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में मान लो कुछ फालतू बना उतना ही वो वापस उसमें कन्वर्ट हो गया, तो कंसंट्रेशन तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन बराबर होनी जरूरी नहीं है बट कॉन्स्टेंट होनी जरूरी है, ये लाइन भी मैंने आप लोगों को बताई, ठीक है जी, ठीक है। अब ये देखो एक ग्राफ, अब तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी मैं, इधर देखो नजर मारो, क्या ये तुम ग्राफ देख सकते हो, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ है। यस ये ग्राफ क्या कहता है, अगर तुम रेट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हो, मेरे बच्चों रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ प्लॉट होगा, वो है ये, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये टाइम है आप लोगों का, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम। तो आपको क्या दिख रहा है, अभी मैंने यही बताया, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन टाइम के साथ कम हो रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन रेट टाइम के साथ बढ़ रहा है रेट। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, और इसी टाइम को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम का टाइम आ गया है, इक्विलिब्रियम की स्टेज आ गई है, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड बेटा रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर आ गया है। अगर इसके अलावा तुम और कोई ग्राफ फ्लोट करते हो, लाइक तुम ऐसे वाला ग्राफ फ्लोट कर रहे हो, इधर देखो, अगर आप ये वाला ग्राफ फ्लोट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम की स्टेट है, बताओ यस मैम, कहाँ है, यस मैम कहाँ है मैम, जहाँ पे दोनों पैरेलल हो गए ये। हैं। लेकिन मेरे बेटा वो तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है ना, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फ्लोट किया है, ध्यान हाँ किया मैम, है, ये पॉइंट है, यहाँ पे नहीं पॉइंट है, पता है। नहीं 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 ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहले तो तुम छोड़ो सारी बातें छोड़ो, रेट वर्सेस टाइम, रेट का मैंने क्या बताया है, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो तभी इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हाँ, इक्विलिब्रियम इसमें नहीं होगा, कहाँ बराबर है बताओ ना मेरे को, ये देखो ना टाइम, टाइम के साथ है, इधर देखो ना इसका ये अपन मान लेते हैं आपका ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, राइट। तो देखो ना टाइम के साथ साथ जो रेट है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन को, ये रहा और बैकवर्ड का ये रहा, कैसे सेम है दोनों, नहीं बोल सकते हो। यही तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो अभी मैं कि रेट वर्सेस टाइम का एक ही ग्राफ फ्लोट होगा, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट ग्राफ लिखती हूँ, तुम मुझे बताना क्या है, ठीक है। चलो अपनी नोटबुक में बनाओ, पहला ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर रही हूँ, आ जाओ। टोटल मैं 6 ग्राफ बनाऊंगी, पहले बना रही हूँ रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, रेट वर्सेस टाइम, ठीक है, एक और सेकंड,
ये भी मैं रेट वर्सेस टाइम बना रही हूँ, बनाओ इसको, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। यस मैम, आपने लिखवाई भी थी हाँ ये इसे। दोबारा लिखवाना है मेरे को, ठीक है, जो रिवाइज करके आया उसको मतलब याद होगा कि ऐसी चीजें कराई थी, ठीक है। एक और बनाओ, रेट वर्सेस टाइम। ठीक है बना लिए, फोर्थ वाला बनाओ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बेटा। और जो लेट आ रहे हैं कृपया करके जल्दी आया कीजिए बच्चों, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बनाओ और एक और बनाओ, बना लिया। यस मैम, यस मैम। चलिए हो जाए शुरू। चलो अब मुझे बताना कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव होने वाली है। फर्स्ट में होगी, फर्स्ट में होगी, सारे सेकंड में नहीं सोच, होगी, सारे थर्ड में सोच नहीं लिए, होगा। एक एक करके बेटा। फर्स्ट में होगी, यस मैम, यस सारे मैम। एग्री करते हो? यस मैम। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड है, रेट ऑफ बैकवर्ड है, इस वाली स्टेज पे हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाली, ये वाला टाइम क्या होगा? इक्विलिब्रियम टाइम होगा। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट वाले में आओ, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा? नो मैम, नो नहीं होगा। क्यों मैम, नहीं होगा? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर नहीं है बच्चों। फील लेना है इक्विलिब्रियम होता क्या है, रट्टा नहीं मानना है किसी भी चीज का इस चैप्टर में। रट्टा मानने वाले गए तुम्हारे चैप्टर पीरियोडिक वाले। थर्ड वाले में बताओ क्या इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा? नो मैम, सेम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर नहीं है। फोर्थ पे आओ मेरे बच्चों, यस मैम, बनेगा मैम बनेगा, बोलेंगे, ठीक यस मैम, यस मैम। है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना बेटा, टाइम के साथ हमने क्या बोला, टाइम के साथ रिएक्शन तो चल रही है, बट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट हो रही है टाइम के साथ। तो देखो ना, ये वाला जो पॉइंट पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम मिल गया, क्योंकि इसके आगे टाइम चला जा रहा है, आपकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम है। मान लो ये रिएक्टेंट की है, ये प्रोडक्ट की है, ठीक है, तो यस ये इक्विलिब्रियम देगा। ये देखिए यस फिफ्थ, यस मैम, ये भी लेकिन अपने माइंड में ये मतलब ना कि मैम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं इक्विलिब्रियम का, ये वाला है। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये वाला कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम है, नो डाउट, लेकिन उसके कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद चेंज हो गई ना कंसंट्रेशन। हमें तो वो टाइम देखना है जिसमें कंसंट्रेशन जन्म जन्मांतर के लिए क्या हो जाए, सेम हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए। तो ये वो टाइम है, टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती जाएगी। यस, एंड सिक्स्थ वाला भी देगा क्या? यस मैम, ये भी देगा, यस मैम, ये भी देगा, यस मैम, ठीक है। तो यानी कि मेरे बच्चों, मैं एक चीज अपने माइंड में रख लो कि रेट वर्सेस टाइम का तो एक ही ग्राफ पॉसिबल है, एंड कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के तीन ग्राफ ये वाले पॉसिबल हैं, ठीक है, ठीक है। यस यस मैम, और एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भी मैं चीजें बोली जा रही हूँ थ्योरिटिकल, कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारा प्रेशर, ध्यान से सुन लेना, फिर बोल रही हूँ, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की, डजन मैटर, ठीक है। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइम पे आपका कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, ये सब चेंज, प्रेशर, ये सब चेंज नहीं होता। अगर ये सब चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, ली चैटलियर प्रिंसिपल में, कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो ये यस मेरे बच्चों मैम, ध्यान रखोगे, हो जाएगा। यस मैम, अभी तक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को क्या बोली, फिर से सुनो। सबसे पहले तो ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन और क्लोज कंटेनर में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात ये होगी कि इक्विलिब्रियम है क्या, वो वाली स्टेट है जिसपे जहाँ पे रिएक्टेंट भी सेम स्पीड से प्रोडक्ट बना रहा है, उसी सेम स्पीड पे प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट बना रहा है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होनी चाहिए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके कॉन्स्टेंट होने चाहिए। सेम होना जरूरी नहीं, बट कॉन्स्टेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। यस मैम, यस मैम, चलिए बहुत बढ़िया। और क्या होगा? एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आपका प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, कलर, ये सब चेंज नहीं। नहीं होगा, ये कभी भी भूल जाओ ना इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, अपने माइंड में ना ये दो एग्जाम्पल ले आना, या वही कि जितनी जितनी स्पीड से मैम आगे चल रही है सिलेबस, वैसे तो अब अपना हो चुका है, बट
ठीक है, जितनी स्पीड से मैम रिवीजन करा रही है जिन चैप्टरों की, उतनी सेम स्पीड से आपने वो पिछले रिवाइज किए हुए चैप्टर भूल गए हो। ठीक है, चलिए देखो बच्चे, ये वही चीजें हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाई हैं। तो एक काम करो कि आप फटाफट इन पॉइंट्स को अपने माइंड में देखो, आप रिवाइज करो इनको। वन कितने पॉइंट्स है, 3, 6 पॉइंट्स है, एक बार पढ़ना बेटा। फर्स्ट पॉइंट है, आप मुझे थम्स अप देते जाना, मैं आप लोगों के लिए रीड कर रही हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद द टाइम। ठीक है, चलिए फिर क्या है, एट दिस स्टेज नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ये पर है, ये जो म्यू है ना उसको पी आप लोग कर लेना, ये इसमें ना गलत है थोड़ा। पर सेकेंड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सब्सटेंस विच डिसअपीयर पर सेकेंड इन द बैकवर्ड, वही है ना, जितना प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही वो रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है, राइट? ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक नेचर, दैट इज द रिएक्शन ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड बट एक्चुअली टेक प्लेस इन द वर्ड डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। ठीक है, चलिए भाई फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट ये कहता है केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, किसी भी साइड से आप इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हो। ठीक है, बस कॉन्स्टेंट होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, डजंट मैटर कि आप रिएक्शन स्टार्ट करो फ्रॉम फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ठीक है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सिर्फ क्या करता है कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में हेल्प करता है। सपोज तुम्हारी कोई रिएक्शन 2 घंटे में हो रही है ना, फलानी रिएक्शन जो है 2 घंटे में हो रही है, तुम उसमें कैटलिस्ट डाल दोगे तो 2 घंटे की बजाय वो 1 घंटे में हो जाएगी या 40 मिनट में हो जाएगी। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है। समझ आ गई, चलिए यस मैम, ओके। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है लाइक प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये चेंज नहीं होती है विद द टाइम एट द केमिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई होप कि ये इक्विलिब्रियम वाला तो फंडा समझ में आ गया होगा, है क्या चीज ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आई अभी इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों की इक्विलिब्रियम क्या होता है। उसके बाद देखो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, वो बोल रहे हैं नोट लिख लो, जिसने नोट्स बना रखे उसको कुछ भी नहीं लिखना, उसको सिर्फ क्वेश्चंस करने आज मेरे साथ। जिसने नोट्स नहीं बना रखे, और हो सकता है कुछ बच्चे मेरे से फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो, तो आपको जो लगे ना ये चीज मैंने ऐड नहीं की हुई, मतलब आप लोगों ने अपने नोट्स में वहां ऐड कर लेना। व्हेन एवर क्वेश्चन डज नॉट आस्क अबाउट द डायरेक्शन, जब क्वेश्चन जो है तुम्हें किसी भी डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछता है, तो बाय कन्वेंशन हम उसको क्या लेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन लेंगे। ठीक है, कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन हमारी। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो अगर तुम्हारी बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन तुम्हारा एक्सो है, तो बैकवर्ड कौन सी होगी, एंडो, एंडो होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर फॉरवर्ड तुम्हारी एंडो होगी तो बैकवर्ड एक्सो होगी। एक्सो कौन सी होती है, जिसमें हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और एंडो कौन सी होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, चलिए, एंथैल्पी होता है, चेंज इन एंथैल्पी, जो आप थर्मो में पढ़ते हैं। क्वेश्चन करोगे, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और ये बेसिक तो तुम्हारे पेपर में पूछ सकता है, क्योंकि अब पेपर जो है बहुत बेसिक जाके पूछेगा वो तुमसे, आपको फंसना नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ए रिएक्शन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, इसमें पूरी क्लास का हैंड रेज होना चाहिए, 30 के 30 स्टूडेंट्स का हैंड रेज होना चाहिए बेटा। और अपनी अब मंडे को होगी, ठीक है, क्लास डायरेक्ट, क्योंकि कल तो नहीं है, मंडे को हम मिलेंगे इसी के साथ, न्यूमेरिकल करेंगे आराम से, मस्त, वेरी गुड। देखो अभी भी 14 स्टूडेंट्स का हैंड रेज है बेटा, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। तुम लोग इस क्वेश्चन में हैंड रेज नहीं करे, मतलब तुमने मेरी कही हुई बात सुनी ही नहीं है, तुमने मेरी कही हुई बात सुनी ही नहीं है। 17 स्टूडेंट्स ही हैं बस जो सुन रहे हैं आउट ऑफ 30। चलो ये 17 के 17 चैट बॉक्स में डाल दो जल्दी, आपको पता था मैम बोलेगी, रेडी बैठे थे तुम लोग बस। हाँ यस, ए इज करेक्ट बेटा, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रिएक्टेंट। बाकी सारे गलत है कि 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, या रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन एंड ऑल द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये तो इररिवर्सिबल की कंडीशन है बेटा। और इक्विलिब्रियम कौन सी में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज जस्ट, नहीं ये भी गलत है, वॉल्यूम की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, चलूं, यस मैम, यस मैम, ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो,
ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, हो गया हो गया, जल्दी से हैंड रेज करो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम इज, ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे मुझे पता लगेगा कितना सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया है, वेरी गुड। चलो एक काम करो, डाल दो चैट बॉक्स में, डालो डालो। एक स्टूडेंट ने बी बोला है, या गलती से हो गया होगा टाइप उसका, डालो, टाइप करो टाइप करो। यस डी इज करेक्ट बच्चों, डी इज करेक्ट है ना। ये देखो ना, यहाँ पे जो आपकी कंसंट्रेशन है इस वाले पॉइंट पे आपकी कांस्टेंट हो गई है, तो हमें वही चाहिए थी बेटा। तो आंसर इज फोर्थ ऑप्शन डी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इक्विलिब्रियम, मैम हो गया मैम, इसमें डू नॉट शो इक्विलिब्रियम आना चाहिए था ना, ये मैंने खुद ही डाला है, मोर देन वन करेक्ट। क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन मिला था वो ये मिला, फिर मैंने सोचा मोर देन वन करेक्ट डाल देते हैं, है ना, ताकि सारे क्वेश्चन पे तुम, अच्छा सारे ऑप्शन पे फोकस करो। करो बच्चों हैंड रेस करो, मोर देन वन करेक्ट है इसमें, वेरी गुड लक्ष्य। चलो ठीक है, इसमें मैं पूछती हूँ किसी से, ठीक है, ओके मैम। मैं कोमल बताएगी, कोमल, कोमल है ना, कोमल बताएगी, यस कोमल, जल्दी बताओ मैम। डी और बी, डी और बी ना बोल रहे हो तुम। चिंकी शिवानी आपसे नहीं पूछा गया, कौन सा, ए बी डी। हाँ कोमल एक गलती कर दी बेटा, इधर आओ, कंसंट्रेशन, ये तो ठीक है ना, देखो ना टाइम के साथ, ये देखो ये कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट हो गई, टाइम बढ़ाते जाओ, ये जन्म जन्मांतर के लिए कांस्टेंट हो गई है, ठीक है। मुझे लगा वो दोनों लाइन आगे जाकर के मिल जाएंगी, नहीं हमारे मैथ्स नहीं चल रहा है, मैथ्स पे मत जाओ तुम, ठीक है, केमिस्ट्री को ही रखो केमिस्ट्री की तरह, ठीक है बच्चे, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने बताया ना जस्ट, तो ये भी दिखाएगा, और ये तो वैसे ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर है, ये गलत है, एंड ये भी ठीक है। और ये वाला पॉइंट नहीं है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का, कहीं आधा दिमाग लगाओ, ये वाला पॉइंट नहीं है इक्विलिब्रियम का, ये वाला है मेरे बच्चों। हालांकि ग्राफ में जो लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है, बट उस पर मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ये वाला है इक्विलिब्रियम, ठीक है। चले आगे, एबीडी इज करेक्ट, यस यस मैम, ये वाला करो, चलो फिर आगे चलते हैं, ये वाला करो बेटा। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द रिएक्शन, इक्वल वॉल्यूम इक्वल मासेस, ये बेटा वो है कंसंट्रेशन है, रिएक्शन कम्स टू अ स्टॉप, सबको आता है ये वाला, मुझे पता है सबको आता है, क्या सबका आंसर सी है, यस मैम, यस मैम, यस मैम, ठीक है, यस मैम, तो मैम ने बता दिया, हाँ ये मैम ने बता दिया, ठीक है। हाँ किसी का कोई और भी आ रहा है, सी, यस सी करेक्ट है, कंसंट्रेशन जो है कांस्टेंट रहेगी, मासेस नहीं, इक्वल वॉल्यूम नहीं, और रिएक्शन तो वैसे भी स्टॉप होती ही नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ तुम, बेसिक तो हमने कर लिया कि इक्विलिब्रियम क्या है पंगा, इसमें अगर आप पूछोगे ना मैम अभी तक जो आपने पढ़ाया आधे घंटे में उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, उसमें इम्पोर्टेंट है वो ग्राफ्स, ठीक है बेटा। अगर तुम मेरे आज के पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ट्रस्ट में तुम्हें ना एकदम पढ़ते ही माइंड में चीजें चली जाएंगी, क्योंकि अगर तुमने यही 3 दिन बाद पढ़ा ना मेरा पढ़ाया हुआ, तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन समझ में नहीं आएगी। बेशक एनसीईआरटी की अभी किसी ने बुक भी ओपन कर रखी हो तो एनसीईआरटी की लाइंस देख लो, उसने कैसी कैसी लाइनें लिखी हुई है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। हाँ अभी तो क्वेश्चन तो आएंगे, ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं थे, ये तो तुम्हारा वो चेक करने का था कितना अंडरस्टैंड किया तुमने इक्विलिब्रियम, ठीक है चलो। आ जाओ, चलिए बेटा उसके बाद हम एक्टिव मास की बात करेंगे, ठीक है। एक्टिव मास को आप पता ही, ये कैसे दिखाते हो, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हो, इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन और एक्वस फेज में आप क्या लेते हो, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन और एक्वस फेज में आप क्या लेते हो, कंसंट्रेशन लेते हो,
कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, है ना। और मैम। गैसेस के फेज में क्या लेते हो, प्रेशर लेते हो, और प्रेशर वैसे तो एटमोसफेयर बार में लेते हो, बस इसमें एटमोसफेयर में लेना, ठीक है। तो एक्टिव मास ये क्या, स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हैं हम इसको, ठीक है। एक्टिव मास इज यूजली एक्सप्रेस बाय एनक्लोजिंग द सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी, देख लो एक बार ध्यान से, ठीक है। यस मैम। अच्छा, उसके बाद है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। जब भी आपके पास एक्टिव मास किसी सॉलिड का आ जाए, है ना, या लिक्विड का आ जाए, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो एक्टिव मास होगा वो कितना लोगे आप, यूनिटी कंसिडर करोगे, क्या कंसिडर करोगे, यूनिटी कंसिडर करोगे, कांस्टेंट क्वांटिटी। ऐसा क्यों है मेरे बच्चों, उसका रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना और मुझे बताना समझ में आया या नहीं, वरना मैं बताती हूँ। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव कहाँ आया, कहाँ से आया, हमारे थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर वाले का। क्वांटिटेटिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी आप क्या बोल दो कि वो मास की है, मास की है। इंडिपेंडेंट कर रहा है क्वांटिटी, ठीक है, नहीं कर रहा है। अब मैम कैसे नहीं कर रहा है, देख लेते हैं। एक बात बताओ, कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चे, मोलारिटी, मोल पर लीटर, है ना, और मोल क्या होता है, मास गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम पर मास लीटर। मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे लीटर में। अब मुझे ये बताओ मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी, तो डेंसिटी बाय मोलर मास। मोलर अब तुम मुझे ये बताओ किसी भी सॉलिड के लिए क्या तुम्हारा डेंसिटी या मोलर मास चेंज होगा, नहीं होगा। अगर तुम गोल्ड ले मैम, लो, सपोज तुम गोल्ड ले लो, तुम्हारे पास गोल्ड पहले 2 ग्राम है, फिर 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 12 ग्राम है, मास तो बढ़ रहा है, बट क्या उसका डेंसिटी चेंज हो रहा है, क्या उसका मोलर मास चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी मेरे बच्चों, कांस्टेंट रहेगी प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के अंदर, बट गैसेस के केस में मत लगा देना, ठीक है, क्योंकि गैसेस के केस में क्या होता है, होंगे क्या कौन से, नहीं मैम, क्योंकि इसमें क्या होता है, इधर आओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। क्लियर हुई वाली बात, ये हमने कहाँ पढ़ा था, थर्मो में पढ़ा था, ठीक है। अगर तुम वेसल का वॉल्यूम चेंज कर दोगे तो वहां पे क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो भी चेंज होंगे, ठीक है। तो ये गैसेस सब्सटेंस में नहीं लगाना, किस में लगाना है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की आपको क्या लेनी है, कंसंट्रेशन, यूनिटी। अब आ जाओ यहाँ पे तुम्हारा लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। अब ये क्या कहता है, चलो गुलबर्ग एंड वेग ने दिया था आपको, ऐसा था, साइंटिस्ट का नेम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बच्चे अगर मैं मान लो यहाँ पे जनरल रिएक्शन कंसिडर करती हूँ, देखना एक बार, इन जनरल देखो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ए बी बी सी सी डी डी, जनरल रिएक्शन ले रही हूँ, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन ये बोलता है बेटा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट क्या है, ए और बी रेस टू द पावर इक्वल टू द स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज योर लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके ऊपर क्या लगा देना है तुम्हें, जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो आपको ऊपर चिपका देना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ये आपने फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा है, तो मैं इसको आर एफ से दिखा दू, कैपिटल आर मत लिख देना, ये वैसे गलत होता है, हम ऐसे दिखते हैं स्मॉल आर से लिखते हैं वैसे, ठीक है। तो अगर मैं बेटा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, के एफ लगाऊंगी, और ये के एफ क्या है मैम, ये के एफ है तुम्हारा, यहाँ लिख दू, Kf है तुम्हारा रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना जी, यस मैम। ठीक है। ऐसे ही तुम बैकवर्ड डायरेक्शन के भी लिख सकते हो, जब तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो ये तुम्हारा रिएक्टेंट बच जाएगा, राइट। तो रेट ऑफ बैकवर्ड क्या आ जाएगा, Kb, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि बैकवर्ड के लिए यही तुम्हारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगी, रेज टू द पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आ गया ये। और केबी क्या है, केबी वही है, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन,
वेरी गुड, बैकवर्ड डायरेक्शन। अभी तक मैंने जो तुम्हें छुड़वाया है वो छुड़वाया है तुम्हारा फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम तुम अपने एनसीईआरटी से पढ़ लेना, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है ना, लिक्विड गैस सॉलिड गैस, वो तुम एनसीईआरटी से पढ़ लेना, अपनी नोटबुक में लिख लो ये मैम ने पढ़ने के लिए बोला एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए अब हम क्या बात करेंगे, अब हमें पता है बेटा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे तो मैम रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है ना, होता है कि नहीं होता, कैसे लिख सकते हो, के एफ ए ए सॉरी ए बी इनकी रेस टू द पावर देयर कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, और इसको ऐसे दिखाओगे सी की पावर सी डी की पावर डी, राइट। अब के एफ बाई के बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, के एफ बाई के बी हो जाएगा सी की पावर सी डी की पावर डी, ए की पावर ए बी की पावर बी, बोलो। यस मैम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि कोई भी तुम्हें केमिकल रिएक्शन दे दे तुम उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख सको। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड के बराबर होता है। यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि तुम्हें मान लो कोई रिएक्शन दे दे, बोल दे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया हुआ, बैकवर्ड का दिया हुआ, बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है। या हो सकता है तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इनकी कंसंट्रेशन, कोई भी रिएक्शन है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दी गई है, लेकिन किस पे, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे बेटा। जो भी ध्यान से सुनना, जो भी तुम कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करोगे वो किस पे होनी चाहिए मेरे बच्चों, जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, किस पे होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। अगर इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं दे रखी तो तुम्हें वो लानी है भाई, फिर वो क्वेश्चन ने कुछ ऐसा दे रखा होगा जिससे तुम्हें निकालना पड़ेगा, वहां से क्वेश्चन तुम लोगों को डिफिकल्ट लगने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो सीधी सीधी बातें दे दे तो तुम लगा दोगे, लेकिन जहां पे भी उसने चीज घुमा दी, जहां पे भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने घुमा दिया, वहां पे तुम फंस गए, ठीक है। लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है, सारी चीजें करने वाले हम यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पे फॉर्मूले में आप कंसंट्रेशन रखोगे वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन रखोगे, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम वो रखोगे आप। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब थोड़ा सा केपी केसी के बारे में बात कर दें, केपी केसी बड़ा अच्छा लिख दिया, केपी केसी। अभी केपी केसी के ऐसे ही के एक्स भी होता है, मोल फ्रैक्शन के केस में भी होता है, बट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो फॉर्म्स ऑफ के, केसी और केपी, सी स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, ठीक है। केसी क्या होगा आपका, कंसंट्रेशन रेशियो होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का, है ना। तुम कैसे लिखोगे उसको, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया। जैसे मान लेते, चलो एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, जैसे तुम्हारा फेवरेट एग्जाम्पल ले लेते हो हैबर प्रोसेस वाला, ठीक है। तीनों ही गैस में है बेटा ये, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके लिए केसी लिखना होगा, कैसे लिखोगे, एनएस थ्री है ना, यही तो लिखते हैं ना पहले, प्रोडक्ट नीचे yes, और जो उनकी पावर है ये लिख दोगे। एंड केपी कैसे लिखोगे, केपी अगर एक आपका गैसेस फेज में तभी आप केपी का लिखना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ एनएस थ्री बाय प्रेशर ऑफ एन टू इंटू प्रेशर ऑफ एच टू की पावर थ्री, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर मान लो तुम्हारा एक्वस फेज है या तुम्हारा कोई वो है क्या बोलते हैं गैसेस फेज भी है, तो उसमें केसी दोनों में लिख सकते हो, एक्वस फेज में भी गैसेस फेज में भी, लेकिन जब तुम केपी लिखोगे, है ना, जब तुम केपी लिखोगे तो उस केस में ध्यान रखना गैसेस फेज में होना चाहिए आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हम गैसेस के केस में पड़ेंगे, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में तो नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है प्रेशर पे, समझे गए? यस मैम। ठीक है, तो वेरी गुड। उसके बाद है, एक मिनट रुकना, हाँ, उसके बाद है थोड़ा सा यूनिट ऑफ केपी एंड केसी भी देख सकते हो, मैं बता देती हूँ यूनिट ऑफ केपी एंड केसी। केपी क्या होगा, एटमोसफेयर की पावर डेल्टा एनजी लिखो इसको, एंड केसी क्या होगा, मोल पर लीटर की रेस टू द पावर डेल्टा एनजी। मैम डेल्टा एनजी क्या है, इसको भी बताऊंगी, पहले अभी लिख लो। डेल्टा एनजी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, लिखो। यस,
लिखो इसको, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी आएंगी इनके पे चीजें आएंगी। हो गया, लिखो इसको बच्चों, अपनी नोटबुक में लिखो। I'm done. जिसका डन हो गया मुझे एक बार थम्स अप दे दो बच्चे। ठीक I'm done. है, डन। चलो चलते हैं फिर, क्वेश्चन करके दिखाओ। ये कुछ छह चीजें, मतलब छह मैम मेरा नहीं हुआ, लिखो लिखो। मैम उसमें मैं डेल्टा एनजी बताने या फिर के लिखना है? बता रही, मैंने ऊपर मेंशन नहीं करके दिया, अभी बताती हूँ। उसमें तुम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, केसी की टर्म्स में भी और केपी की टर्म्स में भी। ठीक है, चलिए ये देखो कितने हैं, छह पार्ट हैं। जल्दी से लिख दो मुझे इसका, केसी लिख के दिखाना, केपी भी देख लेना। केपी लिख सकते हो तो लिखोगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है, इन तीनों में जल्दी मुझे केसी केपी लिख के दिखाओ। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। और अभी इस पे, इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन करेंगे जो नीट में आया था। करो बच्चों, जिसका हो गया वो ये वाला करे। मैंने कब क्या रखा था टाइमिंग क्लास का, 5:15 तक ना? यस मैम, ठीक, यस मैम. ये लो करो। सबसे इजी है केमिकल इक्विलिब्रियम, सबसे इजी। मैम बट कई बार क्वेश्चन सबसे हार्ड आ जाता है उस पर. ठीक डोंट वरी, नीट में नहीं आएगा हार्ड, वो सिर्फ तुम्हारे टेस्ट में आता है। अगर आते हो हार्ड वाले. ठीक वो तो करवाऊंगी ना, थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग भी तो होनी चाहिए ना, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस भी तो होने चाहिए ना उसमें। यस मैम. इजी तो तुम कर रहे हो आप लोग अपने उसमें से, क्या बोलते हैं, नीट के पीवाईक्यूज तो लगाते हो आप लोग, वो इजी है आप लोगों के नीट के पीवाईक्यूज। इजी तो मॉडरेट लेवल जो मैं कराती हूँ उसमें तीनों है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट। हम आगे वाली स्लाइड दिखाना. ये लो जी, ठीक है कर लिए सबने। चलो अब जल्दी से हैंड रेस कर लो जिसने कर लिए। ठीक है, तो इसके लिए ना मैं सिर्फ, आप लोगों ने दोनों लिख लिए होंगे, मुझे सिर्फ केसी बताना है इसका। मेरे को अच्छा चेतना तो आई नहीं है। अंकिता तुम बताओ मेरे को इसका केसी बताओ बेटा। मैम एनओ एनओ की पावर 2 अपॉन में N2 into O2. वेरी गुड, शाबाश, 6 में से नंबर दे लेना खुद को। अभी तुम्हारा ये स्टार्ट हो चुका है टेस्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला मुझे बताएंगे अंजुम। अंजुम आप बताओ बेटा, सेकंड वाला। ओ सॉरी, हाँ सेकंड वाला। मैम HI की पावर 2 अपॉन वेरी गुड, में H2 into I2. ओके दे लीजिए अपने आपको मार्क्स। थर्ड वाला बताओ, थर्ड वाले में मुझे आप केपी बताएंगे, राइट केपी बताएंगे। अनम, अनम ने तो बता दिया, कौन बताएगा, कौन रहेगा? अरे बाकी बच्चे हैंड रेस तो करो। सृष्टि आप बताओ केपी कैसे लिखोगे। सृष्टि केपी कैसे लिखोगे बेटा, क्या हो गया? चिंकी हाँ, किस्मत अच्छी हुई ना, यहाँ से भी नीट में दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है वेरी गुड, फोर्थ वाला बताओ जल्दी, कौन बताने वाला? लक्ष्य तुम बताओ फोर्थ वाला। लक्ष्य फोर्थ वाला बताओ, केपी बताना मेरे को। हाँ बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आई सृष्टि, केपी बताओ लक्ष्य कैसे लिखेंगे। अब तुम माइक म्यूट करके बैठोगे मेरे को पता नहीं लगेगा। हाँ बस O2 लिख दो, ठीक है, बिकॉज सॉलिड का, और दोनों ही सॉलिड है ना, तो इसमें क्या होगा, यूनिटी मानेंगे तो प्रेशर ऑफ CO2 ही आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलो फिफ्थ वाला तनिष्का बताना। मैम केपी या किसी? इसमें केपी लिख सकते हैं क्या, पहले तो तुम ये बताओ मेरे को। मैम किसी आएगा? हाँ मैम इसमें आएगा CH3COO into H3O positive अपॉन में आ जाएगा CH3COOH. ठीक है, वोटर का यूनिट लेंगे, वेरी गुड। ठीक है सृष्टि, कोई बात नहीं बेटा, वो तुम्हारा शायद इश्यू होगा, कोई नेटवर्क इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ गई तुम्हें आता है। ठीक है, तो ये एसीटेट आयन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय आपका एसिटिक एसिड। और नेक्स्ट वाला महक तुम बताओगी। मैम H2O. किसमें, केसी बता रही हो केपी? मैम केसी. ठीक है एसी, ठीक है आप केपी भी बता सकते हैं। प्रेशर गैसेस, गैसेस है ना प्रोडक्ट, तो आप प्रेशर भी आप इसके लिए बता सकते हैं। मैम सेम रहेगा ना इसमें केपी और केसी? हाँ केपी ये हो जाएगा।
केपी केसी तो सेम ही रहेंगे, लेकिन बस वही है उसमें आप ये स्क्वायर ब्रैकेट से दिखाते हो कंसंट्रेशन टर्म, और पी में आप प्रेशर पैक। और ध्यान रखना बच्चा, दिस इज योर पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर नहीं है, ठीक यस है? सर। ऐसे तो आप लोगों का ना वो ये क्वेश्चन करना, एक बार मेरी बात सुन लो, जो मैं प्रेशर की बात करूं, दैट इज योर पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ याद है, हमने वहां किया था आप लोगों का, यस सर। हालांकि चैप्टर रिड्यूस कर डिलीट कर दिया पूरा का पूरा, बट डाल्टन लो तो तुम्हारा 12th में भी आएगा और तुम्हारा यहाँ पे भी आएगा। तो ध्यान रखना, पार्शियल प्रेशर जो होगा किसी भी गैस का, टोटल प्रेशर इनटू उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। समझे गए? ये चीज ध्यान रखना। माना कि तुम्हारा चैप्टर डिलीट हो गया, चलो ये वाला क्वेश्चन करो मेरे को, करके दिखाओ। ये तुम्हारा आया था मेंस 2012 में, नीट में। गिवन द रिएक्शन दिया हुआ है, ये पूरी रिएक्शन लिख दे या देख लो इसको। आपको बताना है इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सील्ड वेसल एट 527 डिग्री सेल्सियस, देन द वैल्यू ऑफ केसी विल बी। चलो जी आओ। हुआ किसी का? गौतम आंसर नहीं बताना बेटा तुम्हें। मैम इसमें हमें केपी की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। कोई बात नहीं, नहीं दे रखी तो तुम्हें क्या निकालना है? मैम एक दिन सॉल्यूशन। अच्छा, मैंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, वो केपी इज इक्वल टू के सी एन जी, आरटी की पावर डेल्टा एन जी लगा दिया मैंने गलती से। अच्छा नहीं, वो ही नहीं लगाना, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सिर्फ केसी पूछो, और गैसेस फेज में आप केसी डिफाइन कर सकते हो। हो गया? दो सेकंड बस। कोई बात नहीं, आप लोग मुझे ये बता दो किया कैसे। केसी क्या लिखोगे सबसे पहले? केसी मैम 2.8 × 10 की पावर -3 का स्क्वायर अपॉन में 3 × 10 की पावर -3 × 4.2 × 10 की पावर -3। देखो, ए बी का स्क्वायर 8 × 2 × 2, मैम 0.62 आ रहा है मेरा आंसर ठीक है, वेरी गुड। जिनका सॉल्व भी करके। अभी सही आया था, जिनका 0.62 आ रहा है, ठीक है। ए बी का स्क्वायर यानी कि लिख दो 3 × 10⁻³, सॉरी 2.8 × 10⁻³। इनको दो बार लिख रही हूं मैं, ठीक है। A2B2 देखो बच्चों, 3 × 10⁻³ × 4.2 × 10⁻³, ये तो कैंसिल हो गए, है ना? अब देख लो, ये सिंपल है, इसमें कैलकुलेटर यूज मत करना, कैलकुलेटर यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि नीट में था ये। समझे गए? ठीक है, डायरेक्ट इसको काटो, 14 पे जाएगा ये 2 पे जाएगा, इसको 2.7 कंसिडर कर लो, ये 0.9 पे गया, ये 0.3 पे गया, लो आ गया 0.6। एक कितने 10 सेकंड में नहीं लगे मेरे को सोल्व करते वक्त इसको, ठीक है। 0.6 समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। कैलकुलेटर यूज किया है तो नहीं करना था बेटा, जो नीट का क्वेश्चन होगा उसमें नहीं करना है। जो मैं जेई वाले भी करवाऊंगी आपको कुछ क्वेश्चन, अगर वहां पे मेरे को लगेगा कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी जा रही है, वहां पे आप अपना यूज करेंगे फिर कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए बेटा, तनिष्का, हमें जैसे हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया होता, हो सकता है बाकी बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है, जैसे अभी तुम्हारे माइंड में आया केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी, है ना? तो तुम्हें देखना है कि वहां पे क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है उसने। उसने वैसा कुछ नहीं पूछ रखा है ना, कोई और बात नहीं करेगी, सिर्फ सिंपल केसी की बात कर रखी है, जो हमें कंसंट्रेशन चाहिए होती है वो है, खत्म। यस मैम। और ध्यान रखना है, देखो इक्विलिब्रियम पे ही दे रखी है इन्होंने कॉन्सेंट्रेशन, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं होती तो हम फिर निकाल के आते उसको, फिर वो हम करते हैं ना, ए मोल कंसिडर किया, ये बना वो बना, वो बाद में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, मैं आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है जी। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। इसका मैं आपको डेरिवेशन तो नहीं करा रही हूँ, सिंपल आपको इसका वो करना है, ध्यान रखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा से ध्यान रखना, पहले केपी आएगा फिर केसी आएगा इनटू, अब आर क्या है तुम्हारा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है, 0.082 लोगे इसमें लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल। थर्मोडायनेमिक्स में आप 8.314 लेते हो अगर जूल में, क्योंकि एनर्जी की बात करते हैं ना हम उसमें,
कैलोरी में होता है तो आप टू लेते हो, ठीक है। टी क्या होगा आपका, टेम्परेचर होगा, शुड बी इन केल्विन, शुड बी इन केल्विन। डेल्टा एनजी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। लिख सकते हो, दोबारा लिखना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और क्या चीजें हैं, अब आती है इसमें कंडीशन, अब आती है इसमें कंडीशन। कंडीशन क्या है, इधर आओ। सबसे पहले आता है डेल्टा एनजी जब जीरो होगा तो क्या होगा, ठीक है। डेल्टा एनजी जीरो होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला लिखो, केपी केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। एक बार बताओ, डेल्टा एनजी जब जीरो हो गया तो किसी की भी पावर जीरो, किसी की पावर जीरो मींस व्हेन डेल्टा एनजी इज जीरो देन केपी इज इक्वल टू केसी। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। उसके बाद है सेकंड केस तुम्हारा बनता है जब डेल्टा एनजी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिखो केपी केसी, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज टू द पावर डेल्टा एनजी। तो जब डेल्टा एनजी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये वाली टर्म ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो आप केसी की टाइम में कर रहे हो तो यानी कि इस केस में केपी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। यस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद, हाँ उसके बाद है जब डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा। लिखो बच्चों, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी। अगर डेल्टा एनजी नेगेटिव होगा तो इस केस में केपी इज लेस देन केसी हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। और बच्चे ध्यान रखना, जब तुम्हारा टेम्परेचर 12 केल्विन होगा ना, तब भी तुम्हारा केपी केसी के बराबर होगा। लिख लो ये, पता नहीं लिखा हुआ ये चीज, नहीं लिखा हुआ। जब टेम्परेचर तुम्हारा 12 केल्विन होगा तो तब भी तुम्हारा केपी केसी के बराबर आएगा, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे आइए। क्या लिखा हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इधर आओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू हमें क्या बताएगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बताएगा। डिपेंड करता है वैल्यू क्या है। अगर बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा उसमें, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम आप कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। बताओ कुछ है इसमें, बताओ मुझे एक बार, सारे बच्चे देख लो। नो मैम। हाँ, थम्स अप देते जाओ मेरे को। और घर से जब भी आओ तो इस चैप्टर को रिवाइज जरूर करके आना, क्योंकि जो बिल्कुल स्टार्टिंग से ये चैप्टर, मतलब जिसने कभी देखा ही नहीं इस चैप्टर को, उसके लिए बेटा थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर समझना, है ना। चलिए क्वेश्चन करें, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। चलो आओ भैया, आओ आओ, ये वाला क्वेश्चन करो। मैम हो गया, हो गया मैम सिस्टर ने आंसर बता दिया। ले भाई। नहीं मैम, पर वो सही नहीं है, इसमें घुमा दिया हमें। ये शायद मैंने क्लास के टाइम भी करवाया था आप लोगों को। मैम सी ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें सी पहले दे रखा और केपी बाद में। तनिष्का को इसलिए याद है क्योंकि इसने गलत किया था जब मैंने क्लास में कराया था। यस मैम, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे सी आएगा ना। इधर देखो बच्चों, आपको पहले तो क्या दिया हुआ है, पहले एक बार ध्यान से देखो। तुम जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी वाले नहीं होते हैं क्वेश्चन, है ना। सीधे सीधे थोड़ी ना पूछेगा, वो थोड़ा तो घुमाएगा। अच्छा, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, केपी पहले लिखते हैं, प्रियंका चोपड़ा पीसी, है ना। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेज़ टू द पावर बेटा डेल्टा एनजी। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी, रुक जाओ लक्ष्य है, ठीक है। तो डेल्टा एनजी क्या होगा, अब देखो ना, अमोनिया तुम्हारी गैस है ना, अमोनिया गैस है, ये तो सॉलिड है, तो इसका नहीं कंसिडर करोगे और ना ही इसका कंसिडर करोगे। तो 1 - 3/2 यानी कि -1/2 आ जाएगा। तो अब लिखो बच्चों, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी रेस टू द पावर -1/2। इसको आप नीचे ले आओ, मैं ये बिल्कुल ऐसा बोलते हैं ना, वो जीरो से करा रही हूँ, जैसा भी जिसको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो केपी इंटू आरटी की पावर 1/2 इज इक्वल टू केसी। तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है तुम लोगों का बच्चों, सी आ रहा है, पी नहीं है ये। देखो बच्चा, केसी केपी है, ऐसी थोड़ी ना 2020 में पूछा था, है ना। आ जाओ,
मैम मैंने आंसर तो सही निकाला लेकिन सृष्टि का देख लिया तो मैंने सोचा यही है और सारे ऑप्शन ही नहीं देखा। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, आपको सारे देखो। एक बार म्यूट कर लो। आपको ना जब भी केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मेरे कहने पे उसको प्लीज 2 बार पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद अगर मान लो जैसे सपोज ये क्वेश्चन इजी था, है ना, मैं इसको इजी में कंसिडर करूंगी, लेकिन वो इजी इजी में गलत हो सकता है, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार अगर आप मार्क कर रहे हैं ना ऑनलाइन में तो आपके पास ऑप्शन होता है उसको, है ना, रिमूव करने का, बट उसमें नहीं होगा, नीट में नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार लगा दे तो लगा दिया, है ना। तो फिर ऐसे केस में आपको आंसर को देखना है, अगर मान लो सपोज आपका आंसर सी भी आ रहा है तो आपको एक बार बाकी भी नजर मार लेने हैं, या आपको बी भी आंसर आ रहा है तो आपको बाकी भी नजर मार लेने हैं। ये देख लक्ष्य है, रिमूव कर दूंगी, आराम से आ जाओ इधर। चलो ये वाले करो क्वेश्चन दोनों। इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी, ये होगा, और इन विच बताया था आपने, मेरे को जो जो क्वेश्चन मिले ये मैंने काफी क्लास में भी करवाए हुए हैं ये वाले क्वेश्चन, बट मुझे याद नहीं था तनिष्का, तुमने याद दिलवाया मुझे। यस मैम मुझे भी याद है, ये बॉक्सेस याद थे। हाँ आपको क्या करना है बेटा, और एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दूंगी बना के, वो तुम्हारे एक बार अवंती के टेस्ट में भी आया था जो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, वो भी मैं कराऊंगी, पहले ये कर लो एक बार। देखो बेटा, इन द फिगर शोन बिलो रिएक्टेंट ए रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट बी, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, जल्दी बताओ किसका हो गया। क्या बात, किसी का हैंड ही रेज नहीं हुआ। गौतम का हो गया, गौतम जी का हो गया, और मैम मेरे को लग रहा है मैम डी ऑप्शन आएगा क्या इसका। यस मैम मेरे को, पहले तो तुम लोग ना इधर आओ मेरे पास आओ, ये के इक्विलिब्रियम तो ये लिख लिया ना तुमने, बी बाय ए। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए, अब ध्यान रखना, वैसे तो इसने बहुत सिंपल कर दिया कि ए बी में चेंज हो रहा है, हो सकता है कि वो कोफिशिएंट भी आगे दे दे, तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखना, है ना। इसमें ना एक सर्कल और बनेगा क्योंकि 11 सर्कल दे रखे हैं और 6 वो स्क्वायर दे रखे हैं। देखो सही दिया हुआ है तुम्हें, आओ इधर आओ। बी तुम्हारा क्या है बच्चे, बी तुम्हारा सर्कल है, तो एक बार मैं काउंट कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना, तो 11 तो सर्कल है। रिएक्टेंट में देख लेती हूँ, रिएक्टेंट है तुम्हारे, सॉरी रिएक्टेंट बोल रही हूँ, जो आपका स्क्वेयर है ना रिएक्टेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1.9 समथिंग आएगा ना, तो उसको आपका तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, क्योंकि और तो है ही नहीं, 1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से तो बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो जो जिसके पास है आपको उसका आंसर जो है मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो कर दिया अगर तुम लोगों ने, केपी केसी के बराबर नहीं है भाई, जिसमें केपी केसी के बराबर नहीं है, ऑप्शन ए ऑप्शन ये चेक कर लो, जहां पे डेल्टा एन जी जीरो नहीं है, देखो बी में सी में डी में सब में डेल्टा एन जी जीरो है, 2 माइनस 2 है ना, 2 माइनस 2 2 माइनस 2, सिर्फ एक एक लोता ऐसा ए ऑप्शन है जिसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या 2 माइनस 1, इसको मत कैलकुलेट कर देना, ठीक है, 2 माइनस 1 1, ठीक है, क्योंकि सॉलिड है ना। यस yes, अगर yes, वैसे कर भी, वैसे तो करना नहीं है, बट अगर किसी ने गलती से कर भी दिया ना फिर भी उसका आंसर सही आ रहा होगा, ये 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा होगा, बट ठीक है कोई बात नहीं, बट करना मत, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अब तुम मेरी बात सुनना थोड़ी ध्यान से, अगर तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो मेरे बच्चों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे वो डिपेंड नहीं करता है, तुम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 1000 कर दो, करोड़ कर दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है, ना ही कैटलिस्ट उसमें डाल दोगे रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं चेंज होने वाला है, बस इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करने में वो हेल्प करता है। ऐसी तुम उसमें कोई इनर्ट मटेरियल डाल दोगे लाइक हीलियम नियोन डाल देते हो, कोई इनर्ट गैस, तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, दो चीजों से फर्क पड़ेगा इसको, पहला टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, अगर तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगी। एक बार अगर तुमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं दोबारा आती हूँ, ये देखो
इसमें बोला था ना रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ वेसल एट 527, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी। अगर वो टेम्परेचर चेंज कर देता वैल्यू भी चेंज हो जाती, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, कि आपने रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है। जैसे फर्स्ट, ये तुम्हें मेरे नोट्स में भी बिल्कुल यू का यू मिलेगा, मैंने वहीं से ही लिया है ये, पहली बात तो ये, ठीक है। देखो A प्लस बी से सी बन रहा है, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के वन है। अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देती हूँ मेरे बच्चों, तो जो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो वो भी क्या हो जाएगा, के टू हो जाएगा, 1/k1। यस मैम, फिर से मैं बोल रही हूँ, ये तीन चार चीजें हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए बेटा। अगर आपके के पास कोई रिएक्शन लिखी हुई है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1, दूसरी उसी सेम रिएक्शन को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है, तो आपने मोड चेंज कर दिया रिएक्शन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। रिवर्स कर दिया तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ आई? ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे, देखो नेक्स्ट में क्या है तुम्हारे पास, लेट से ये रिएक्शन है N2+O2 2NO, राइट, इसके करेस्पॉन्डिंग K1 इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तुमने क्या किया, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो तुमने फर्स्ट वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। यस मैम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। तो जब भी तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस केस में जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा पहले की पावर n आ जाती है। n बोले तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया, अब तुमने 2 से किया तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। सारे देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, भर भर के क्वेश्चन। इधर देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसका K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब तुमने क्या किया, नोटिस करो जो नीचे वाली रिएक्शन है बच्चे, तुमने उसको ना पहले वाले को जब 2 से डिवाइड करोगे तब तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन बन के आ जाएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग K2 चेंज होगा। तो K2 क्या होगा, K1 √K1 हो जाएगा। तो जिस भी नंबर से तुम डिवाइड कर रहे हो 1/n हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज? K1/2 मत कर देना, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, पता चले K1/2 कर दो गलत हो जाएगा। इधर देखो नेक्स्ट टाइप का आता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो रिएक्शन दे रखी है, देख रहे हो दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है K1 और K2। इससे देखो आपने ना थर्ड इक्वेशन बनाई है, आपसे K3 पूछ रहा है। अब ध्यान से देखना, तुमने ये दो इक्वेशन को ऐड करके ये बना पाओगे ना, अगर दोनों को ऐड कर दोगे, और जब दोनों को ऐड करोगे तो जो नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K3 वो कैसे आएगा, K1+K2 मत लिख देना, काटा लग जाएगा। क्या लिखोगे, K3 = K1 × K2। बेशक करके देख लो, K1 × K2 को मल्टीप्लाई करो और देखो K3 देखो, दोनों सेम आ रहा होगा, कर सकते हो, करो। यस मैम। हाँ ठीक है, आगे चल सकती हूँ मैं? चलो अब तुम क्वेश्चन करें, फिर देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, करते हैं जितना टाइम बचा है ना, वैसे तो टाइम कम है, 5:30 तक ले लेती हूँ तुम्हारी क्लास। यस मैम, ऐसे मेरी आगे, चलो कोई मिल ले लेती हूँ। एक्चुअली ना जो मेरी अभी नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें भी सेम टॉपिक पढ़ाना है, तो मेरे लिए ना थोड़ा बहुत ज्यादा है सेम टॉपिक रिपीट करना है, बिल्कुल सेम है ये वाला टॉपिक जो आज उनकी क्लास में कराना है। चलो ये वाला क्वेश्चन पहले मैं करवाती हूँ ये वाला, फिर बाकी देखो तुम करोगे, और फिर जितना रह जाएगा नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू कर लेंगे वहीं से, ठीक है। इधर आओ, आपको रिएक्शन दी हुई है, फेमस हैबर प्रोसेस है, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो। केपी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है एट 400 केल्विन, टेम्परेचर देखो सेम रखा उसने, कॉन्स्टेंट रखा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी। अब तुम इस इक्वेशन को नजर मारो, बताओ भाई पहले और इसमें इक्वेशन में क्या फर्क है, क्या कर दिया इसने, घुमा दिया है इक्वेशन को। यस मैम। तो जो इसका नया वाला केपी, लेट से केपी डैश क्या हो जाएगा, 1/kp, यानी कि 1/41। क्लियर है ना? ठीक है, अब नजर मारो सेकंड वाली इक्वेशन पे। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या किया इसने, 2 से डिवाइड किया, रूट हो जाएगा। वेरी गुड, तो नया वाला हो जाएगा √41। वेरी गुड, थर्ड में क्या किया इसने, स्क्वायर, और जितने क्वेश्चन हो जाए बहुत अच्छी बात है। चलो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, करो, और ये सारे तुम्हारे PYQs है, कोई JEE का है, कोई नीट का है, ठीक है, करो बेटा। द वैल्यू ऑफ KC इज 64 एट 800 केल्विन, आपको ये रिएक्शन दी हुई है, और द वैल्यू ऑफ KC फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ट्राई करो कि इसको 20 सेकंड्स में निपटाओ, ज्यादा देर मत लगाना।
हैंड रेज कीजिए, मैं देख रही हूँ। वेरी गुड, ओके। पीयूष, क्या आ रहा है आंसर? पीयूष तुम बताओगे। पीयूष मैम आंसर बताओ। 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। 1/8। अच्छा ठीक है, 1/8 आ रहा है क्या सबका? यस मैम, देखिए आपने एक बार नजर मारो इसको, रिएक्शन को। पहले तो इसने इसको पलट दिया है ना, तो पलट दिया है तो केसी भी पलटेगा। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और क्लास में भी ऐसे ही बताती हूँ, पलट दो रिएक्शन को, पलट दो केसी भी पलट, मतलब रिवर्स हो गया उसका। ठीक है, अब क्या हो गया इधर देखो, यहाँ पे और क्या किया इसने, 2 से डिवाइड कर दिया। अब 2 से डिवाइड कर दिया तो फिर क्या करोगे, अंडर द रूट करोगे उसको। यस मैम, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन करो। यस मैम, आपके पास 2 इक्वेशन है, आपको बताना है रिलेशन, रिश्ता बताना है K1 और K2 के बीच में। ठीक है, जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग मतलब जिसका हो गया हैंड रेस कीजिए और बाकी भी ट्राई कीजिए बेटा। वो मेरा, नाउ इट्स योर टर्न बेटा। ठीक है, मैम हो गया। मेरा आपका आंसर क्या है? मेरा सृष्टि हम सी, ये रिश्ता कहलाता है, सी कि अच्छे लक्ष्य को देख लो, है ना। इधर आओ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, K2 निकाल लेते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को ही रिवर्स कर दिया, यानी कि 1/K1 होगा। फिर और क्या चीज किया आपने, 3 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके सेकंड बनेगा, तो K1 3 हो जाएगा। तो K2 क्या आ जाएगा बच्चों, K1 की रेस टू द पावर -। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हो आप लोग, मैंने देखा है, आप पेपर में बहुत गलतियां करते हो ऐसे वाले। ये तुम्हारा देखो कहाँ आया हुआ है, 17 7 3, 3 7 17, देख लो भाई। करो इसको, क्वेश्चन को करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके तुम्हें होमवर्क में दिया है। चलो चलो करो करो, सोच समझ के करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, नीट का ही है। मैम हो गया। मैम आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे क्योंकि हमसे नहीं होते थे। मैम यस मैम, इसमें मैंने गलती की थी। मैम देख लो, पहले मेरे से एक नहीं होता था ऐसा क्वेश्चन। मुझे याद है, मुझे याद है। मुझे याद है बच्चों का, तुम तो रेगुलर हो ना, कुछ बच्चे तो स्टार्टिंग से तो याद है। ठीक है जी, करो भाई कोशिश, ट्राई करो, होगा ये क्वेश्चन, जरूर होगा। देखो आया किसी का आंसर? मैम बी ऑप्शन। ओके बी, यस मैम, बी, चैट बॉक्स में, यस मैम। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कौन कौन बी बोल रहा है, कौन कौन बी बोल रहा है। वेरी गुड गौतम, वेरी गुड तनिष्का, लक्ष्य ने बता दिया, वेरी गुड महक, कोमल, हुसनवाज, अंजुम, सृष्टि, उमेरा, सबको वेरी गुड। ठीक है, अंकिता, मुस्कान, इधर आइए, जिन्होंने बता दिया। देखो सबसे पहले ना नजर मारते हैं हम, इस ये इक्वेशन कैसे आई होगी। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पे नजर मारो, सबसे पहली चीज दिखेगी K1 में अमोनिया तुम्हारा राइट हैंड साइड है, यहाँ पे तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो K1 को तो पहुंचाओ नीचे, तो K1 तो आने वाला नीचे, ए ऑप्शन तो गया राइट। अच्छा और क्या तुम्हें दिख रहा है, NO तुम्हारा राइट हैंड साइड ही है, देखो इसमें भी, और 2 से ही मल्टीप्लाई है, तो NO को नहीं छेड़ोगे, K2 सा K2 रहने दो, तो K2/K1। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखो K3 का क्या हाल है, H2O भी यहाँ है, H2 यहाँ पे भी हमें राइट हैंड साइड चाहिए, लेकिन वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको, तो आपको क्या करना है, कर देना है खत्म कहानी। और एक सेम क्वेश्चन मैंने दिया है, वो जेई में पूछा गया था, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा घुमा दिया उसमें, उसमें थोड़ी वैल्यूज डाल दी गई हैं, तो वो तुम्हें करना है होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, 5:25 तक लूंगी क्लास। फॉर द फॉलोइंग 3 रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट तुम्हें बेटा गिवन है, एंड तुम्हें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेटा।
थोड़ा सोच के करना, जल्दबाजी मत करना, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ध्यान से करने वाले होते हैं। तनिष्का सुहानी ने कर लिया है दोनों ने। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? लक्ष्य लक्ष्य हम बता दिया। सी हम सी ऑप्शन ही आ रहा है। बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है बेटा ऐसे क्वेश्चन में? ईशा, प्रीति, विनय, आप लोगों ने नहीं बताया बेटा। खुशी, अंशिका, आप लोग प्लीज पढ़िए बेटा ये चैप्टर। सी आ रहा है, वेरी गुड। आपको कुछ नहीं करना, पहली दो इक्वेशन को ऐड कर दो तुम लोग, ये आ जाएगा। तो K3 किसके बराबर आएगा? K1 और K2। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। नहीं, ये तो आई थिंक वही आ गया क्या दोबारा से? यस मैम, सेम है। हाँ अच्छा, हालांकि ना ये JEE में आया था, चलो ये कर लेना, वो नीट में था। ठीक है, ये तुम कर लोगे, सेम आ गया क्वेश्चन, ये करो। कुछ क्वेश्चन होते हैं ना इतने फेमस होते हैं, हर एंट्रेंस में पूछ लेते हैं वो। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट आर गिवन। और इसलिए कहती हूँ मैं तुम लोगों को, JEE मेन के 5 साल के कर लिया करो क्वेश्चन, तभी मैं बोलती हूँ। लेकिन तभी करना जब तुम्हारे बाकी चीजें हो गई हो। ये रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन है। आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, आपको इस फाइनल के लिए निकालना बेटा। मैम हो गया, हो गया? मैम हो गया। अच्छा ठीक है, क्या आंसर आ रहा है सबका? सी ऑप्शन सबके सी ही आंसर है, मैम, डी डी आ रहा है मेरा। डी। सी किसका आ रहा है? मैम अच्छा मेरा डी, बी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा अलग अलग आ रहे हैं, कईयों के डी आ रहे हैं, डी आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। आओ इधर देखो, सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, इधर देखो, हमें प्रोडक्ट वो देखो जो इक्वेशन हमें डिजायर्ड इक्वेशन है, 2SO3 हमें राइट हैंड साइड ही चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है, या एक काम कर, तू K2 को लिख दे, तू K2 को मुझे ऐसे ही चाहिए, राइट। उसके बाद इधर मैम डी आ रहे हैं, बी फोर बोल। डी फॉर डॉग। अच्छा ठीक है, इधर आओ, एक बार इसको कर देते हैं क्लियर। हाँ इधर आओ, तो बेसिकली आपको देखो फर्स्ट यहाँ पे आपको 2SO2 जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को घुमाना पड़ेगा, घुमाओगे तो K1 नीचे आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ ना इन्होंने, तो हमें भी करना पड़ेगा, यस मैम, समझे गए? अच्छा 2SO3 देखो, 2SO3 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, K2 आ जाएगा, यूं का यूं, कुछ भी नहीं करना। तो K2 by K1 square, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, K2 है 10^129, K1 square होगा 10^52 का स्क्वेयर। कितना हो जाएगा 52 का स्क्वेयर? 104। तो 10^129, 10^104, तो 129 में से 104 गए, तो ये तो भाई सी आ रहा है। डी कैसे आ रहा भाई तुम लोगों मैम को? स्क्वायर नहीं करा था, मैम स्क्वायर नहीं मैंने करा था, मैंने भी स्क्वायर नहीं किया तीन था। चाटा लगा दूंगी, एक साथ सबके डी आया। मैं सोची भाई डी डी ठीक है फिर। सी इज करेक्ट बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से बेटा। एक बार फिर देख लो, आप लोगों को 5 सेकंड्स देख रही हूँ, देख देख लो कि जो है क्या है। मैम मैंने 3 बार दोबारा से सॉल्व करा, पर मेरा डी नहीं आया। मैम मैंने देखा कि 2 जो है वो तो SO3 के आ गया है ना, तो फिर मुझे हाँ कंफ्यूजन हो गई थी। नहीं, ये देखो ना, इसको रिवर्स भी किया है एंड 2 से मल्टीप्लाई भी किया। देखो ना मैंने यहाँ पे लिख लिख भी दिया था, ये देखो। ठीक है, अब तुम करोगे देखो, 2S से 2S कैंसिल हो जाएगा और यही इक्वेशन आ जाएगी तुम्हारी जो तुम्हें चाहिएगी ना। ये तो यस मैम, माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 2SO3। ठीक है, चलिए बाकी आप घर से करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है मैं नहीं कराऊंगी, बट कराऊंगी। ये देखो
वैसे दो ही क्वेश्चन रह गए थे, ठीक है लो बताओ भाई, हो ही गया अपना फाइनली। ठीक है इनको दो क्वेश्चन को, ये जो आपके टेस्ट में भी आया था ठीक है, इसको करने की ट्राई करना आप लोगों को, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी ठीक है। ये आपके होमवर्क है, इधर आओ, ये देखो ये होमवर्क है कुछ ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी, और नेक्स्ट क्लास हम हमारी प्योरली आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगी ठीक है। ओके तो ठीक है, मेन चीज आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखनी है आज मुझे फटाफट से बता दो बस, जल्दी से मेन मेन चीजें क्या। नॉमोग्राफ, ओ भाई साहब शिवानी ने तो लिख दिया फटाफट से, ठीक है शिवानी ने पूरा समराइज कर दिया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड, और कंसंट्रेशन के टर्म्स में बेटा कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। वेरी गुड वेरी गुड शिवानी, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बेटा। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब ये नहीं कि शिवानी को देखे बाकी सारे भी लिखने लग जाओगे, कोई बात नहीं ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो होगी वो इक्वल होगी, मतलब एक्टिव मास देखा था सॉलिड और लिक्विड का यूनिटी लेते हैं, हाँ बिकम कॉन्स्टेंट ठीक है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ठीक है। सेम हो तो भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्स्टेंट भी होनी चाहिए ठीक है, कॉन्स्टेंट भी मतलब होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम को देख के ही आप कर लो ठीक है, तो सेम होनी जरूरी नहीं है बट यस कॉन्स्टेंट होनी चाहिए ठीक है। उसके अलावा के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, वेरी गुड ठीक है। और केसी केपी का रिश्ता ध्यान रखना, केपी लिखते हैं बेटा प्रियंका चोपड़ा से, ध्यान रखना फायदे में रहोगे ठीक है। Yes, अगर एन जी जीरो है तो केपी केसी इक्वल होगा, एन जी पॉजिटिव है तो केपी बड़ा होगा केसी से, और अगर एन जी नेगेटिव है तो केसी बड़ा होगा केपी से, और अगर टेम्परेचर 12 केल्विन है तो केपी केसी इक्वल होंगे, वेरी गुड ठीक है। तो ये हमने जो है मोटा मोटा किया है ठीक है। तो मैम आपने ना केपी इक्वल टू केपी दोबारा लिख दिया, उधर केसी आएगा, और आपने यूनिट भी बताई थी KP is equals to ETM की पावर डेल्टा NG और KC is equals to more per liter की पावर डेल्टा NG। हाँ तो आपको किसी की भी यूनिट निकाले बेटा, KX तो तुम्हारा यूनिटलेस होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती है, बट इन केस ऑफ KC ना आप लोगों को मोल पर लीटर डेल्टा रेज टू द पावर डेल्टा NG, आपको डेल्टा NG निकालो यूनिट आ जाएगी ठीक है। एंड इन केस ऑफ KP एटमोस्फेयर की पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG निकालो, इक्वेशन दे रखी होगी वैल्यू पुट करो ठीक है। फाइनली जितना सोचा था उतना हो गया अपना। हाँ जी बेटा मैम, शाम को क्लास नहीं है ना? ना 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 है और